देखिए सी एच थ्री बी आर, इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमोमिथेन। इससे हमें ऑब्टेन करना है प्रोपेनॉन, तो उसे लिखेंगे सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। हम इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसीटोन होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। तो अब आप जरा ध्यान से समझो कि भाई ये आपका कौन है, ब्रोमो मीथेन है, और ये कौन है आपका प्रोपेनॉन। तो इस कंपाउंड से आपको इस कंपाउंड तक पहुंचना है तो क्या करना होगा, ध्यान से समझो। ये कौन है, एक एक एल्काइल ब्रोमाइड है, और जबकि ये कौन है, एक कीटोन कंपाउंड है। तो आपको यहां कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहां केवल एक कार्बन है, और जबकि यहां पर कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो यहां पर स्टेप लेंगे, आपको वो स्टेप लेने पड़ेंगे जिनके द्वारा कार्बन की चेन इंक्रीज हो, मतलब कार्बन की चेन क्या हो, इंक्रीज हो, कार्बन के नंबर बढ़े। तो अब देखिए हम किस तरह से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए सी एच थ्री बी आर, अब हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई केसीएन पोटेशियम साइनाइड से। तो बी आर यहां से क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा, ये यहां से निकल जाएगा, और सीएन जो होगा वो बी आर के स्थान पर आ जाएगा। तो देखो के ये बी आर ये, तो यहां से क्या बन जाएगा, के बी आर। अब आपको यहां से क्या ऑब्टेंड हुआ, यहां से ऑब्टेंड हुआ आपको सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्लियर, या सी एच थ्री सी एन लिख सकते हो आप। इसका जो फेमस नेम होता है एसीटोनाइट्राइल होता है, और इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनाइट्राइल, क्लियर। अब देखिए आगे करना है, इस बात को ध्यान से समझो, यहां पर एक कार्बन है, और यहां पर अब आपके पास कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कार्बन की नंबर को कार्बन की चेन को इंक्रीज करना है, उसकी नंबर को बढ़ाना है, तो हम केसीएन से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उसकी क्रिया करेंगे। तो अब देखिए अब हमें एक कार्बन और चाहिए, क्लियर। तो ग्रिग्नार्ड डिजेंट से रिएक्शन करा दें, उससे भी क्या होता, कार्बन की नंबर बढ़ जाते हैं। तो सी एच थ्री एम जी बी आर हमने ले लिया, क्लियर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम इसको कहेंगे। अब इस बात को आप इस तरह से याद रखो, भाई ये कौन होगा आपका डेल पॉजिटिव, और ये कौन होगा आपका डेल नेगेटिव, क्लियर। और इसी तरह से देखो ये कौन है, नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसीलिए इस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, क्लियर। हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चला तो आपके लिए रिएक्शन आसान हो गई, भाई इस वाले पॉजिटिव कार्बन से ये नेगेटिव वाला कार्बन जोड़ो, देखो जरा क्या बनता है, ध्यान से समझो इस बात को। ये मिथाइल तो आपका लगा वही है, और ये आ गया यहां से दूसरा मिथाइल सी एच थ्री, क्लियर, एक बॉन्ड तो यहां से टूट गया, यहां क्या बचा, डबल बॉन्ड, और ये कौन आया, एन, क्लियर। अब इस नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, एम जी बी आर, तो यहां पर हम जोड़ देंगे एम जी बी आर, क्लियर। बताइए इतना कंपाउंड आपको ऑप्टेन हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम जानते हैं पहले स्टेप पे तो हम ग्रिग्नार्ड डिजेंट से रिएक्ट करते हैं जिससे एडिशन होता है, बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्लियर, क्या कर दिया हमने, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्लियर, एच पॉजिटिव, और यहां से हम टू एच टू लेंगे, जिससे हमें क्या ऑब्टेंड होगा, ध्यान समझेंगे, हमें यहां से ये ऑब्टेंड होगा सी एच थ्री सी एच थ्री और डबल बॉन्ड ओ, क्लियर, और यही कौन है आपका, प्रोपेनॉन, एसीटोन भी हम बोलते हैं इसे, जैसे मैंने इसके आपको नेम बताए, क्लियर। या तो आप सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है, क्लियर। प्लस आपको यहां से एन एच थ्री अमोनिया प्राप्त होगी, प्लस यहां से आपको एम जी ओ एच बी आर, क्लियर, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर, ये ऑप्टेंड होगा। तो इस प्रकार आपको ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन ऑप्टेंड हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये वाला स्टेप मैं आपको समझा देता हूं, यहां देखिए आप,
यहां मैं इस स्टेप को आपको समझा रहा हूं। आपके पास वो कंपाउंड था सी और उससे दो मिथाइल ग्रुप और यहां पर ये एन, क्लियर? समझते हुए चलना। आपने क्या करा, 2H2O लिए। अब देखिए मैं उसको इस तरह से लिख दूं, किस तरह से, H OH ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर? तो आप इसकी एक ट्रिक समझें और किस तरह से आपको याद रखना है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हुए कैसे, किस तरह से हम इन्हें याद रखेंगे। अब आप देखिए ये हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन मैंने यहां से लिए और एक हाइड्रोजन मैंने ये ले लिया, क्लियर? और यहां से ले लिया एन, तो बताओ क्या बनेगा, NH3 बन गया, नहीं बन गया, क्लियर? अब देखो ये है आपका कौन, ये आपका कौन है MgBr और ये देखिए बचा हुआ यहां से OH, इसको लेकर यहां पर आप चिपका दीजिए इससे आपको MgOHBr हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑब्टेन हो जाएगी। अब बताओ यहां क्या बचा, जब ध्यान समझो यहां पर क्या बचा, यहां बचा आपका C और ये मिथाइल CH3 डबल बॉन्ड। अब यहां से कौन बचा, ये ऑक्सीजन बची, इसको लाकर ध्यान रख दीजिए और यही कौन है आपका प्रोपेनॉन, क्लियर? तो इस तरह से आप इस वाले स्टेप को भी समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड हुए। तो क्लियर, देखिए एक बार और समझ लीजिए इस बात को, ये था आपका कौन ब्रोमो मीथेन और आपको बनाना था प्रोपेनॉन, क्लियर? देखिए यहां पर कार्बन के नंबर 1 थे और यहां पर कार्बन के नंबर 3 थे, तो आपको इस कन्वर्जन को करने के लिए ऐसे स्टेप लेने थे जिससे आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इंक्रीज हो, कार्बन की संख्या बढ़े, कार्बन की चेन इंक्रीज हो, लंबी हो, बड़ी हो, मतलब एक कार्बन से आपको 3 कार्बन बनाने थे। तो हमने क्या करा, पहले KCN से क्रिया कर दी उसकी, तो देखिए आपको यहां पर 2 कार्बन ऑब्टेन हो गए। अभी हमें एक कार्बन और चाहिए था, तो हमने क्या करा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा दी जिससे कि हमें 1, 2 और 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन करना था प्रोपेनॉन वो हमें ऑब्टेन हो गया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं, हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।